Sirem children, how are you all? I hope that you all are fit and fine at your places. Children, today in our Hindi class, we are going to continue some of the exercise of part Sat Kriya. That exercise you have to do in your Hindi notebook. So, children, इन दिस प्रश्न एक निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए पहला है हमारा इसमें सीता पढ़ रही है सीता पढ़ रही है तो इसमें हमारी क्रिया शब्द कौन सी है हमारी क्रिया शब्द है पढ़ रही है क्रिया शब्द क्या है पढ़ रही है नेक्स्ट मैं कभी झूठ नहीं बोलता मैं कभी झूठ नहीं बोलता तो इसमें हमारी क्रिया शब्द क्या होगी बोलता बोलता हमारी क्या होगी क्रिया शब्द तो आप इसके नीचे लाइन करेंगे आप प्रश्न लिखेंगे अपनी नोटबुक में फिर इन वाक्यों को लिखेंगे और फिर इसमें क्रिया शब्द पे आप जो क्रिया शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट राजन बांसुरी बजाता है राजन बांसुरी बजाता है तो राजन क्या बजाता है बांसुरी तो इसमें जो हमारे क्रिया शब्द हुई वो क्या हुआ बजाता क्रिया शब्द क्या हुई बजाता ओके नेक्स्ट माली पौधों को पानी दे रहा है माली पौधों को पानी दे रहा है तो मालिक क्या दे रहा है पौधों को पानी दे रहा है तो हमारी इसमें क्रिया शब्द क्या हुई दे रहा है दे रहा है अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए तो इसमें हमारी क्रिया शब्द क्या हुई करना क्रिया शब्द क्या हुई करना नाउ दूसरा प्रश्न है हमारा जो शब्द क्रिया नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाइए जैसे वहां तुम राम लिखना तो इसमें हमारे क्रिया शब्द कौन से नहीं है उसके आगे हमें क्या करना है गलत का निशान बनाना है पहला है वहां वहां के आगे आप क्या करेंगे क्रॉस करेंगे नेक्स्ट तुम तुम के आगे भी और राम के आगे भी लिखना हमारा क्रिया शब्द है क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा क्रिया शब्द है नेक्स्ट सोना क्या हाथी पेड़ तो क्या क्या हाथी पेड़ सोना तो हमारा क्रिया शब्द है क्या हमारा क्रिया शब्द नहीं है हाथी भी नहीं है और पेड़ भी नहीं है अंडरस्टूड तो जो गलत है उसके आगे क्रॉस का साइन और जो सही है उसमें हम राइट लगाएंगे जैसे लिखना में राइट लगाएंगे आप और सोना में अब आप नेक्स्ट में आप बताएंगे क्या होगा हमारा क्रिया शब्द मैं सुनना हम आम तो मैं मैं नहीं होगा हमारा सुनना सुनना क्या होगा हमारा क्रिया शब्द तो इसमें हमें राइट हम हम पे भी रोंग का साइन और आम पे भी रोंग का साइन अंडरस्ट ओके नाउ नेक्स्ट भोजन रेडियो खाना भालू तो इसमें हमारा जो गलत है वो क्या है भोजन रेडियो पे भी गलत का और भालू पे भी गलत का खाना जो है हमारा वो क्या है क्रिया शब्द खाना जो है हमारा क्या है क्रिया शब्द नाउ नेक्स्ट दादा भाई वह तो दादा दादा हमारा क्रिया शब्द नहीं है भाई भी नहीं है वह भी नहीं है क्या है हमारा क्रिया शब्द पढ़ना ओके तो एक सही है और तीन गलत है इसमें हमारे अंडरस्टूड नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिया के सही रूप पर सही का निशान लगाइए जो सही है उसपे सही का निशान लगाइए इन तीनों में से तो बड़ाई मेज बनाता है बुनता तो है नहीं देखता भी नहीं है बनाता है बड़ाई मेज बनाता है तो हम किस पे लगाएंगे अपना इस पे लगाएंगे नेक्स्ट माली पौधों में पानी माली पौधों में पानी डैश माली पौधों में पानी देता है माली पौधों में पानी देता है नेक्स्ट बंदर केला क्या करता है बंदर केला खाता है खात पूरा नहीं हुआ खात भी नहीं हुआ खाता है नेक्स्ट शाहजहां ने ताजमहल डैश शाहजहां ने ताजमहल बनवाया बनाना नहीं बनाएगा नहीं वो तो बन चुका ऑलरेडी तो बनवाया तो इसमें हमारे क्रिया शब्द हैं बनाता है देता है खाता है और बनवाया अंडरस्ट नाउ टर्न योर पेज ओके प्रश्न नंबर चार उचित क्रिया छाट कर खाली स्थानों में लिखिए आपका हेल्प बॉक्स गिवन है इसमें यह आपका हेल्प बॉक्स है जोन सा क्रिया शब्द सही है आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें उसे फिल करना है, नीना गाना क्या आएगा नीना गाना गाती है नीना गाना गाती है तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट गाती है यहाँ आप लिखेंगे गाती है दूसरा दादी ने मिठाई खाया दादी ने मिठाई खाया ये आपका गाती है फर्स्ट खाया हो गया आपका सेकंड, नेक्स्ट रामू को सांप ने क्या रामू को सांप ने काट लिया रामू को सांप ने रामू को सांप ने काट लिया हमारी इसमें नंबर सीरीज गलत हो रही है नीना गाना गाती है दिस इज योर फर्स्ट नेक्स्ट हाथी ने गन्ना हाथी ने गन्ना खाया ये आपका सेकंड है खाया आपका यहाँ पे आएगा सेकंड थर्ड दादी ने मिठाई दादी ने मिठाई भिजवाई ये आपका क्या हो गया थर्ड दादी ने मिठाई भिजवाई नेक्स्ट मैं आइसक्रीम खाता हूँ मैं आइसक्रीम खाता हूँ ये क्या हो गया आपका फोर्थ फिफ्थ रामू को सांप ने काट लिया ये क्या हुआ आपका फिफ्थ रामू को सांप ने काट लिया नाउ कम टू प्रश्न नंबर पाँच सही जोड़े को रेखा खींचकर मिलाइए पहला है हमारा बच्चे 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 क्या कर रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं ये आपका फर्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं चिड़िया चिड़िया चह चहाती है चिड़िया चह चहाती है सेकेंड थर्ड माँ बच्चे को लोरी माँ बच्चे को लोरी सुनाती है माँ बच्चे को लोरी सुनाती है नेक्स्ट दर्जी कपड़े सिलता है दर्जी कपड़े सिलता है दर्जी कपड़े सिलता है आपको इधर ही लिखना आई डोंट हैव प्रॉपर स्पेस यू राइट प्रॉपरली दिस साइड ओनली नेक्स्ट बादल गरज रहे हैं दिस इज योर फिफ्थ बादल गरज रहे हैं बादल गरज रहे हैं अंडरस्टूड नाउ कम टू नेक्स्ट क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए पहला है हमारा अध्यापक बच, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप इसको पूरा करोगे कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ लिखेंगे आप डॉक्टर डॉक्टर क्या बनाएंगे आप यू विल टेल डॉक्टर मरीजों को दवाई दे रहे हैं डॉ मरीजों को दवाई दे रहे हैं डाकिया डाकिया खत लेके आया है डाकिया डाकिया खत लेके आया है तारे रात में तारे बहुत चमकते हैं या रात में तारे चमचमाते हैं रात में तारे चमचमाते हैं Understood? अब आप इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर सात में नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं इन अशुद्धियों को पहचान कर पुनः पुनः सही वाक्य लिखिए नाउ फर्स्ट वी विल सी हमारा वाक्य क्या है हमारा वाक्य है राम आम खाती है गलत क्या आएगा राम आम खाता क्योंकि वो क्या है वो मेल है तो खाता आएगा खाता है राम आम खाता है या तो आप उसके सामने उसे सही करके लिखेंगे या फिर उसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट मीना विद्यालय जाता है गलत मीना विद्यालय क्या आएगा इसकी जगह हमारा जाती है मीना विद्यालय जाती है मीना विद्यालय जाती है नेक्स्ट वहाँ कार्य नहीं हो रही है क्या आएगा हमारा यहाँ पे वहाँ कार्य वहाँ कार्य नहीं हो रही है वहाँ कार्य नहीं क्या आएगा हमारा हो रहा है वहाँ कार्य नहीं हो रहा है नहीं हो रहा रही की जगह क्या आएगा रहा रही की जगह क्या आएगा रहा है नेक्स्ट लास्ट मुकेश पढ़ाई करती है मुकेश पढ़ाई करती है तो यहाँ क्या आएगा मुकेश पढ़ाई करती की जगह क्या आएगा करता मुकेश पढ़ाई करता है मुकेश पढ़ाई करता है तो जो गलत उसको वाक्य को जो सही क्रम नहीं दे रहा है उसे हमें सही करके लिखना है कि उसमें क्या अशुद्धि है उस वाक्य में जो क्रिया संबंधित है अंडरस्टूड सो चिल्ड्रन दीज क्वेश्चन यू विल डू इन योर फेयर नोटबुक And previous, what we have done related to Kriya, that also you have to practice in your fair notebook. So, children, thank you and bye.